जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, जय अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम लेक्चर अंदर आप समतल क्वेश्चन करता था स्वाध्याय अगियार। नेक्स्ट नंबर करिए आप स्वाध्याय अगियार अंदर क्वेश्चन नंबर 10 जो स्वाध्याय अगियार क्वेश्चन नंबर 10 मतलब क्या समतल में वाई जेड समतल बिंदु मांथी पसार थाय छे ए बिंदुना याम शोधवाना छे। तो सौ प्रथम अपने रेखा नु समीकरण अपने मेळवो पड़शे। रेखा ना समीकरण पर थी अपनी पास रेखा उपर कोईपण बिंदु ने याम अपने मिली जैसे अने त्यारबाद वाइजेड समतल में पसार थाय छे। एनो मतलब एवो कि वाइजेड समतल नी अंदर एक्स याम अपनी पास जीरो बन से। अपने शुरुआत स्वाध्याय नी अंदर लंबना लंबपादना याम शोधेला था ए टाइपना क्वेश्चन छे। तो लखीए पहला तो आपेला बिंदुओ छे, लखो आपेला बिंदुओ ए ऑफ 516 अने बी ऑफ 341 छे। आपेला बिंदुओ ए ऑफ 516 अने बी ऑफ 341 छे। हवे आपेला बिंदुनो उगम बिंदुनी सापेक्षे स्थान सदिश आपणे लई लईए माटे बिंदु ए नो स्थान सदिश उगम बिंदुनी सापेक्षे तमे लो ए बार लईए तो आपणी पासे थशे 5 × i प्लस जे केप प्लस 6 × k। ओके, तथा बिंदु बी नो स्थान सदिश बी बार इज इक्वल टू 341 छे। एनो मतलब एवो के 3 × i प्लस 4 × j प्लस k थाय। હવે આપેલા બે બિંદુમાંથી જો રેખા તમે પસાર કરો તો રેખાનું સમીકરણ આપણે ભણી ગયા છીએ। આપેલા બે બિંદુમાંથી રેખા પસાર થતી હોય તો રેખાનું સદિશ સ્વરૂપ, તો લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમ એ ઓફ એ બાર અને બી ઓફ બી બારમાંથી પસાર થતી રેખાનું सदिश समीकरण आर बार इज इक्वल टू ई बार प्लस लैम्डा इंटू बिंदु बे बिंदु माथी पसार थाय मतलब दिशा शू हे बी बार माइनस ए बार थाय ज्या लैम्डा बिलोंग टू शू आवे आर आवे। ओके, तो आर बार ए बार एटले आपणी पासे किंमत छे 5 × i प्लस जे केप प्लस 6 × k थशे प्लस लैम्डा। चलो बी बार माइनस ए बार आपणे करी दईए तो 3 i माइनस 2 माइनस 5 j मतलब माइनस 2 × i थशे। आ बंनेनी बादबाकी करशो एटले प्लस 3 × j थाय। आ बंनेनी बादबाकी करशो एटले प्लस 5 × k थशे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तमारी पासे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा इंटू एल बार मतलब दिशा तमने मिली गई। आ रेखानुं समीकरण थई गयुं तमारी पासे। हवे अने आपी दो रिजल्ट नंबर 1। હવે તમને શું કીધું છે, આ જે રેખા છે આ રેખા જો આ તમારી પાસે આર બાર મતલબ રેખા પરના કોઈ પણ બિંદુનો યામ હોય એક્સ વાય ઝેડ આપણે ખબર પોઝિશન વેક્ટર બતાવો તો રેખા પરના ગમે તે બિંદુનો યામ મતલબ આર બાર થશે। તો તમને કીધું છે કે આ રેખા છે એ વાયઝેડ સમતલને હવે વાયઝેડ સમતલને તમારે આ રેખા પસાર થાય છે મતલબ વાયઝેડ સમતલને કોઈ બિંદુએ છેદતી હોય तो वाइजे समतल नी अंदर कयो याम जीरो होय कयो छे नथी जो एक्स नथी मतलब एनो एक्स याम शू होय जीरो। तो वाइजे समतल ने पी ऑफ जीरो वाई झेड बिंदु माथी पसार थाय छे मतलब आर बार नी जगह तमे जीरो वाई झेड लो जो सदिश तरीके लईए तो 0 × i प्लस y × j प्लस
झेड इंटू के कैप थे आर बार जगह हमें जमनी बाजू जो हूँ सादरूप आपूँ अँ तो आई कैप वाला जो मेरी पास आ घटकों अँ तो मेरी पास शूँ अँ फाइव माइनस टू लेमडा इंटू आई कैप थाय जे के वाला घटक जो तो वन प्लस थ्री लेमडा इंटू जे कैप थे पची के कैप वाला घटक जो तो सिक्स प्लस फाइव लेमडा इंटू के कैप थाय आ बने सदीसों सरखा है मतलब बने बाजू सरखाई आप तो अँतरी पास शूँ मैं जो बने बाजू आई कैप जे कैप और के कैप सहगुणकों सरखाता अपने अँ मैं जीरो इज इक्वल टू फाइव माइनस टू लेमडा वाई वालों घटक सरखाओ तक मैं वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री लेमडा तब झेड वालों घटक सरखाओ विद्यार्थी मित्रों तक मैं सिक्स प्लस फाइव लेमडा तो आपने लेमडा की किंमत मिली जैसे तो अँ लेमडा की किंमत मिली जैसे जो तो आना लेमडा की किंमत तमने मलसे फाइव बाय टू लेमडा की किंमत तमने मिली फाइव बाय टू लेमडा की किंमत फाइव बाय टू तुम अँ मूको तो पांच तेरी पंदर ना छेद में बे थे सादरूप आपसो एट वाई बराबर तमने किंमत मलसे सत्तर ना छेद में बे ओके अने झेड बराबर तमे अहीं किंमत मूको तो लेमडा की किंमत फाइव बाय टू अहीं मूकशो फाइव बाय टू क्लियर सॉरी अहीं माइनस पांच छे भाई बाद बाकी अहीं ऋण थशे वन माइनस सिक्स मतलब माइनस पांच थशे तो आ तमारो माइनस फाइव आवशे हवे लेमडा की किंमत तमे अहीं मूकशो फाइव बाय टू तो पच्चीस ना छेद में बे थशे अहीं तमे लसा लेशो एटले बार माइनस पच्चीस आवशे तो माइनस तेर ना छेद में बे थशे माइनस तेर ना छेद में बे एटले तमने कीधुं तुं के वाई झेड समतल ने आपेली रेखा कया बिंदु में छेदे छे तो पछी छेल्ले तमारा जवाबनी अंदर लखी देवानुं के भाई बिंदु ए ने बी माथी जे रेखा पसार थाय छे ए रेखाओ वाई झेड समतल ने बिंदु आपणे शुं नाम आपेला पी तो पी ने आपणे शुं याद मळ्या झीरो कोमा सेवनटीन बाय टू कोमा माइनस थर्टीन बाय टू बिंदु में छेदे छे अथवा बिंदु माथी पसार थाय छे क्लियर तो आ रीते तमारे क्वेश्चन करवानो छे नेक्स्ट नंबर जोईए आपणे क्वेश्चन नंबर अगियार जो क्वेश्चन नंबर अगियार फाइव वन सिक्स अने थ्री फोर वन बे बिंदु आपेला छे माथी पसार थती रेखा झेड एक्स समतलना जे बिंदु माथी पसार थे बिंदु ने आम शोधवाना छे जो सेम दाखलो छे बे बिंदु आपेला छे पहला बिंदु ने नाम ए बार आपी दीजिए बीजा बिंदु ना स्थान सदेश आपणे बी बार शोधी लेशुं बे बिंदु माथी पसार थती रेखाना सूत्र उपरथी आपणने याद मळशे खाली फरक केटलो छे आ क्वेश्चन में तमने वाई झेड समतल आपेलो तो अने हवे पछीना क्वेश्चन में तमने अहींया क्यो समतल आपेलो छे झेड एक्स समतल आपेलो छे तो झेड एक्स समतल मतलब शू थाय झेड एक्स तो एमां कयो याम झीरो थशे आपणी पासे भाई वाई याम झीरो थशे एटले जे तमने लेमडा मळशे ई वाई याम उपरथी मळशे ई लेमडानी किंमत एक्स अने झेड में तमे मूकशो एटले तमारी पासे एक्स याम अने झेड याम मळी जशे तेना उपर तमे बिंदु कही देजो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन तमे सेल्फ करजो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जोईए आपणे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्लियर ए बी आ टाइपनो क्वेश्चन छे पण एनी अंदर थोड़ो चेन्ज छे थोड़ो माइनर फरक छे आपणी पासे जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बिंदुओ माथी पसार थती रेखा छे अने ए समतलना जे बिंदुमांथी मतलब ए कोई समतलमांथी कोई एक एक्स वाई समतल के वाई झेड समतलमांथी नथी पसार थतुं परंतु ए पूरा समतलमांथी पसार थाय छे मतलब त्रणे त्रण एक्स वाय अने झेड गमे ते त्यांथी मतलब सामान्य एक समतलनुं समीकरण आपेलुं छे क्लियर तो आना उपरथी आपणे एक कया बिंदुमांथी पसार थाय समतलने मतलब जो आवी एक आकृति बनशे धारो कि आ एक समतल छे तमारुं क्लियर हवे अहींयाथी आ एक रेखा पसार थाय छे जो आ एक रेखा पसार थाय छे तो समतल परनुं क्यूं बिंदु छे कि ज्यांथी रेखा पसार थाय तमारे बिंदुने एम कहेवाना छे ओके तो पहेला तो आपेला बिंदुओ लखीए आपेला बिंदुओ ए अने बी छे तो बिंदु एनो स्थान से शुं लखी दऊं आपेला बिंदुओ आपेला बिंदुओ ए ऑफ थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तथा बी ऑफ टू माइनस थ्री प्लस वन छे आपेला बिंदुओ तमारी पास आपेला छे ओके बिंदु एनो स्थान सदिश जोईए माटे बिंदु एनो स्थान सदिश
e bar is equal to 3 into i cap minus 4 into j cap minus 5 into k cap छे तथा बिंदु b नो स्थान सदिश b bar is equal to 2 into i cap minus 3 into j cap plus k cap छे ओके तो आपेला बई बिंदु माथी पसार थती रेखा लईए आम e of e bar अने b of b bar माथी पसार थती रेखानु सदिश समीकरण r bar is equal to a bar प्लस लेमडा इंटू बी बार माइनस ए बार थे ज्यां लेमडा बिलोंग्स टू आर लखी सकाय ओके विद्यार्थी मित्रों हवे आनी अंदर हूँ किंमत मूकीश तो जो माटे आर बार इज इक्वल टू चलो ए बार ना या मारी पासे छे 3 - 4 - 5 3 आई केप माइनस 4 जे केप माइनस 5 इंटू के केप प्लस लेमडा इंटू चलो बी बार माइनस ए बार करो तो माइनस आई केप आवशे माइनस माइनस प्लस जे केप आवशे माइनस माइनस प्लस 6 इंटू शू आवशे विद्यार्थी मित्रों के केप क्लियर आ तमारू समीकरण बनी गयू माइनस आई केप प्लस जे केप अने आपी दीधो रिजल्ट नंबर एक हवे अहींया तमारी पासे बिंदुना याम लखवा पड़शे आना उपरथी तो जो आना उपरथी हूँ याम लखी दऊं के आर बार इज इक्वल टू शू थशे आपणी पासे जो 3 माइनस लेमडा इंटू आई केप प्लस माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू जे केप अने प्लस माइनस 5 प्लस 6 लेमडा इंटू के केप थशे आना उपरथी बिंदुना याम ओके जे तमारी पासे बिंदु छे तो आ रेखा 2x प्लस y प्लस z सात समतल ने आपने लेव पर से बिंदु P of x, y, z माथी पसार थाई छे तो R बार ने जिगी आपने ले x into i cap, y into j cap और z into k cap ले लो तो आनो उपती तमारी पास है x नी किम्मत बन से x बराबर 3 माइनस लेम्डा y बराबर माइनस 4 प्लस लेम्डा अने z बराबर तमारी पास है बन से माइनस 5 प्लस 6 लेम्डा थाई क्लियर अबे आजे बिंदु छे ये बिंदु आपने ली दू p ये p समतल पर नू बिंदु थसे ने मतलब बिंदु नू समाधान कर से तो लखो बिंदु p of x y z बिंदु p of x y z ए समतल 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7 नू समाधान करे समाधान करे मतलब जे मारी पासे समीकरण छे मैं x y z नी जगह वहां कीमत मुकी दऊं तो जो 2 इंटू 3 माइनस लेमडा प्लस माइनस 4 प्लस लेमडा z ની કિંમત આપણે મૂકવાની છે માઇનસ 5 પ્લસ 6 લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 ઓકે તો આના ઉપરથી આપણે લેમ્ડાની કિંમત શોધવાની થશે તો આનું સાદુરૂપ આપી દો તો 6 માઇનસ 2 લેમ્ડા માઇનસ 4 પ્લસ લેમ્ડા માઇનસ 5 પ્લસ 6 લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 તો જો તમારી પાસે આના ઉપરથી વધશે 5 લેમ્ડા વધશે પ્લસ અને અચળ પદમાં તમારી પાસે વધશે અહીંયા 10 કેમ કે માઇનસ 9 થશે પ્લસ 6 માઇનસ 3 આવશે આ સાઈડ જશે 10 તો આના ઉપરથી લેમડાની કિંમત તમને મળી વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 ઓકે લેમડાની કિંમત મળી ગઈ તો લેમડાની કિંમત 2 હોય લેમડા બરાબર 2 માટે x બરાબર y બરાબર અને z બરાબર યામ શોધવાના જો અહીંયા લેમડાની કિંમત 2 મૂકવાની છે તો એનો એક્સિયમ શું આવશે આપણી પાસે 1 लेमडा की कीमत 2 मुकसो y एम सो आवशे -2 लेमडा की कीमत 1 मुको 12 -5 એટલે y सो z एम सो तुम्हारी पासे 7 तो आम मांगेल बिंदु ने एम सो होय 1 -2 ने 7 થશે ઓકે
विद्यार्थी मित्रों आवता तमारी पासे क्वेश्चन नंबर 12 त्यार बाद आपणे करीए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन नंबर 13 छे आपणी पासे -1, 3, 2 બિંદુમાંથી પસાર થતા તથા પ્રત્યેક સમતલ x + 2y + 3z = 5 અને 3x + 3y + z = 0 ને લંબ હોય તેવા સમતલનું સમીકરણ શોધવાનું છે ક્લિયર મતલબ જે માંગેલો સમતલ છે એ આપેલા બંને સમતલને લંબ છે માંગેલો જે સમતલ છે એ આપેલા બંને સમતલોને લંબ છે ઓકે તો જો બિંદુ તમને આપી દીધું છે સમતલનું સમીકરણ આપણને ખબર છે સમતલનું સમીકરણ આપણને ખબર છે સૂત્ર આપણે કયું ઉપર થશે आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो समतल समीकरण शोधवा माटेनु सूत्र छे आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू जीरो ए बार मतलब बिंदु न यम अने एन बार मतलब आपेला समतल ने लंब कोई सदिश होय एनो मतलब एवो के अभिलंब थशे क्लियर तो तमने अहीं शुं कीधुं छे पहेला समतलो आपेला छे लखी आवो अहीं सोल्यूशन शुरू करो के भाई समतलो बे समतल तमने आपेला छे पाई वन फ्रॉम x plus 2y plus 3z is equal to 5 x plus 2y plus 3z minus 5 is equal to 0 clear આ સમતલનો અભિલંબ શું થશે તો આના પરથી સમતલનો અભિલંબ n1 બાર બરાબર આપણને મળશે i cap प्लस टू जे केप प्लस थ्री इंटू के केप तो आने बिंदु तरीके हूँ लखूँ तो लखी दू कि भाई 1, 2 अने शू मळशे 3 पहला समतलना समीकरण उपरथी अभिलंब मिलो अभिलंब शू काम शोधो छो हमणां तमने समजावी दू बीजो समतल आपेलू छे जुओ समतल पाई टू फ्रॉम समीकरण तमने आपेलू छे 3x + 3y + z = 0 3x + 3y + z = 0 आना परथी समतल पाई टू नो अभिलंब एन टू बार बराबर तमने मलसे 3 i cap प्लस 3 j cap प्लस k cap मतलब एन टू बार इज इक्वल तमने मलसे विद्यार्थी मित्रों 3, 3 अने +1 ओके 3, 3 अने +1 હવે તમને એવું કીધેલું છે કે જે માંગેલું સમતલ છે મતલબ તમારે જે સમતલનું સમીકરણ શોધવાનું છે એ સમતલ આ બંને સમતલને લંબ છે તો આપણે પહેલાં ખૂણાવાળા વસ્તુની અંદર વાત કરી ગયા છીએ કે ભાઈ જો બંને સમતલને લંબ હોય મતલબ મારે જે સમતલ છે ત્રીજું સમતલ એ આને બી લંબ થશે અને આને બી લંબ થશે તો આ બંનેને લંબ કોઈ સદિશ જોતો હોય આ બંને સદિશોને લંબ કોઈ સદિશ જોતો હોય તો એ સદિશ શોધવા માટે મારે શું કરવું પડે બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરવો પડે કે નહીં બંનેનો સદિશ ગુણાકાર કરવો પડે કે નહીં ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર આપણે શીખી ગયા છીએ તો લખીએ ધારો કે સમતલ પાઈ વન અને સમતલ પાઈ ટુ ને લંબ હોવાથી બંનેને લંબ હોવાથી તેનો અભિલંબ મતલબ જે માંગેલું સમતલ છે એનો અભિલંબ આપણે શોધવાનો છે તો તેનો અભિલંબ એન બાર બરાબર શું થાય ભાઈ એન બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર ઉપરથી મળે કારણ કે કોઈ પણ બે સદિશને લંબ સદિશ જોતો હોય તો આપેલા બંને સદિશનો ક્રોસ ગુણાકાર કરીને તમે શોધી શકો ક્લિયર તો મારે જે અભિલંબ જોઈએ છે એ બંને સમતલોનો લંબ છે તો મતલબ મારી પાસે જે જરૂરી અભિલંબ છે જરૂરી સમતલ છે એનો અભિલંબ આને બી લંબ છે ને આને બી લંબ છે તો આ બંનેને લંબ સદિશ મારે જોતો હોય તો મારી બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર જ કરવો પડે તો આના ઉપરથી ક્રોસ ગુણાકાર મતલબ પહેલી રો i j અને k થશે ચલો n1 1 2 અને 3 અને 3 3 અને 1 તો મારી પાસે n બાર શું મળે જોવો સાદુરૂપ હું આપી દઉં છું અહીંયા 2 माइनस 9 मतलब माइनस 7 इंटू आई कैप थे माइनस जे इंटू 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू जे कैप कर दो अने 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 के कैप थे तो आ थी गयो अभिलंब तमारी पासे बिंदु नहीं आम तो आपेला छे रकम में तो लखो
मांगेल समतल नु समीकरण, मांगेल समतल अपने बिंदु ने अहीं लखेला नथी लखी दईए, पाई ए ए ऑफ ए बार इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री टू माथी पसार थाय छे तेनुं समीकरण, तेनुं समीकरण विद्यार्थी मित्रों शुं मळे, आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू शुं मळशे विद्यार्थी मित्रों झीरो। तो आर बार ए बार की जगह अपने किंमत मुकवानी थशे माइनस आई केप प्लस थ्री जे केप प्लस टू के केप अने डॉट एन बार की जगह हूँ किंमत मूकीश माइनस सेवन आई केप प्लस एट जे केप अने माइनस थ्री के केप इज इक्वल टू झीरो, जे मारू मांगेल समतलनू सदिश स्वरूपनू समीकरण छे। अने एना उपरथी तमे कार्तीय स्वरूपनू समीकरण लखवू होय तो पण तमे लखी शको। ये विद्यार्थी मित्रों सदिश स्वरूपनू समीकरण छे, एना उपरथी तमे कार्तीय स्वरूपनू समीकरण लखो तो पण एमां कोई प्रॉब्लम छे नहीं। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर चौदह जोईए आपणे। क्वेश्चन नंबर चौदह, जो बिंदुओ वन वन पी अने माइनस थ्री जीरो वन समतल आर बार डॉट थ्री आई के प्लस फोर जे के माइनस ट्वेल्व के प्लस थर्टीन बराबर जीरो थी समान अंतरे आवेला छे, मतलब जो एक बे बिंदु छे अने समतल छे तो बिंदु अने समतल वच्चेनुं अंतरनुं सूत्र आपणने खबर छे मानकमां आर बार डॉट एन बार माइनस डी अपन मोड ऑफ एन बार। तो बंने सपेला समतलनुं समीकरण उपरथी समतलनुं समीकरण लखो, समान अंतर छे बंनेना अंतर समान छे तो पी नी किंमत तमारे शोधवानी छे। तो पहेला समतलनुं समीकरण लखो, लखो विद्यार्थी मित्रों समतलनुं समीकरण, समतलनुं समीकरण आर बार डॉट थ्री आई केप प्लस फोर जे केप माइनस ट्वेल्व के केप प्लस थर्टीन बराबर झीरो छे, समतलनुं समीकरण तमने आपेलुं छे। ओके हवे आपणे आना ઉપરથી શું કરવાનું છે, તો કે બે બિંદુના અંતર આપેલા છે, લખીએ બિંદુ A ઓફ 11P નું આપેલા સમતલથી અંતર D1 લઈએ તો डी वन बराबर सूत्र थे मानक में आर बार डॉट एन बार माइनस डी छेद में मानक में एन बार, ज्या आर बार मतलब तमारी पास आपेला बिंदु स्थान शेष थे, तो आई केप जे केप प्लस पी इंटू के केप थे, एन बार मतलब समतल अंदर अभिलंब है तमारी पास थ्री आई केप प्लस फोर जे केप अने माइनस ट्वेल्व इंटू के केप थाय અને ડીની કિંમત તમને આપેલી છે માઇનસ તેર થશે। ઓકે ચલો તો આના ઉપરથી હું સૂત્ર મૂકી દઉં, જો તમે બરાબર ઝીરો લખેલું છે ને અહીંયા પ્લસ ડી લખો અને ડીની કિંમત તેર લખો તો પણ વાંધો છે નહીં। ઓકે તો અહીંયા હું કિંમત મૂકી દઉં, માનકમાં આ બંનેનો ડોટ ગુણાકાર થશે થ્રી, પછી આ બંનેનો ડોટ ગુણાકાર થશે પ્લસ ફોર, કેમ કે જો આર બાર ડોટ એન બાર છે, આ બંને ડોટ ગુણાકાર થશે માઇનસ ટ્વેલ્વ પી અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ તેર અને છેદમાં માનાકમાં શું છે અંડરરૂટ વર્ગમૂળમાં એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર અને સી સ્ક્વેર, તો એ ત્રણ બી ચાર અને માઇનસ બાર, તો એનો વર્ગ કરીએ નવ સોળ અને એકસો ને ચુમ્માલીસ થશે। તો આનું સૂત્ર આપણી પાસે કિંમત બનશે અંતર વીસ માઇનસ ટ્વેલ્વ પી આખાના છેદમાં તમારી પાસે આવશે વન સિક્સટી નાઇન, તો આના ઉપરથી ડિસ્ટન્સ ડી વન તમને મળશે વીસ માઇનસ ટ્વેલ્વ પી આખાના છેદમાં તેર, આ તમારી પાસે પહેલાં બિંદુથી સમતલનું લંબ અંતર મળી ગયું। હવે આપણી પાસે એ જ પ્રમાણે બીજું બિંદુ આપેલું છે, એ બિંદુથી સમતલનું લંબ અંતર આપણે શોધવાનું છે અને પછી એને કીધું છે કે બંને અંતર કેવા છે સમાન, તો આપણે જોઈએ એ જ પ્રમાણે બી ઓફ માઇનસ થ્રી ઝીરો વનથી આપેલા સમતલથી અંતર ડી ટુ લઈએ તો આપણે ડી ટુ લઈએ તો ડી ટુ બરાબર શું થશે, જો માનકમાં જ્યાં
आर बार बराबर तमने आपेलू छे आना स्थान से मतलब माइनस थ्री आई केप माइनस थ्री इंटू आई केप प्लस जीरो इंटू जे केप प्लस के केप चलो एन बार बराबर तमने आपेलू छे तो एन बार तो ऊपर जे तो एज लेवानो छे थ्री इंटू आई केप प्लस फोर इंटू जे केप माइनस ट्वेल्व इंटू के केप अने डिस्टन्स डी बराबर माइनस थेर ज लेवाना छे तो आ बने डॉट गुणाकार जोई लो अहींया माइनस नौ थशे आ बने डॉट गुणाकार थशे जीरो आ बने डॉट गुणाकार थशे माइनस बार अने प्लस तेर छेदमां वर्गमूळमां एना एज पद थशे नाइन सोल प्लस एक सौ ने चुम्मालीस तो डी टू की किंमत डायरेक्ट लखी दो मारी पास जवाब आवशे मानकमां माइनस आठ यार एटले प्लस आठ कर दो मानक छे तो अने छेदमां केटला आवशे तेर आवी गयो डी टू हवे तमने पीनी किंमत शोधवानी कीधी छे पीनी किंमत शोधवानी कीधी छे तो पक्ष प्रमाणे पक्ष प्रमाणे एने कीधुं छे डी वन इज इक्वल टू डी टू छे बंने अंतर समान छे मतलब बे बाजु जो वीस माइनस ट्वेल्व पी आखाना छेदमां तेर इज इक्वल टू एट बाय थर्टीन तो बे बाजु तेर तेर उड़ाड़ी दो पछी आने मानांक छूटो पाड़शो एटले तमारी पासे आवशे वीस पी सॉरी वीस माइनस बार पी इज इक्वल टू प्लस आठ अथवा बीजा केसमां तमारी पासे आवशे अहींया वीस माइनस बार पी इज इक्वल टू माइनस आठ तो आना उपर तमने पीनी किंमत तमने मिली जशे ओके विद्यार्थी मित्रों तो आजना लेक्चरनी अंदर आटलू राखीए नेक्स्ट लेक्चरनी अंदर आपणे आ चेप्टर कम्प्लीट थई जशे ओके जय अंबे